क्या चल रहा था राणा कुंभा, क्या चल रहा था राणा कुंभा, कुंभा कुंभा को कितने भागों में पढ़ना है? चार। कितने भागों में? चार। पहले भाग में उपाधि, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में क्या पढ़ोगे? साहित्य। साहित्य। चलो कुंभा की उपाधियां बोलता हूँ मैं, आपको बताना है। गिरी दुर्गों का स्वामी था तो क्या कहते थे? दानशीलता के कारण, राजनीति में दक्ष, छापा मार उत्पत्ति में, धनुर्विद्या में, राजाओं में श्रेष्ठ, क्या नाम था? परम राजाओं का राजा, मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने के कारण हिंदू, शैव धर्म का उपासक था तो क्या कहा गया? नंद नंदीश्वर कहा गया। क्या कहा गया? मैं बोल देता हूँ तुम्हारी तरफ से, हाल गुरु, राज गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, असको नहीं चलो दोबारा पढ़ो। राणा कुंभा कला का स्थापत्य, कला का जनक कहा जाता है, नव्य भारत कहा जाता है। मेवाड़ में 84 गिरी दुर्गों में से 32 बनाए थे। कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार पता लगता है कुंभा को हाल गुरु, राज गुरु, दान गुरु, साप गुरु, ताप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, अशुपति, गणपति, अभिनवर्ता राज्य, राणा राजो, तोड़बल, धीमान, निशंक, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, राय राया, हिंदू सुल्तान और उसको नंद नंदीश्वर कहा जाता है। कुंभा जो है वह सबसे पहले किसी के कान में जाकर क्या बोल के आता है? किसके कान में? हेमंत किल्ते। किसके कान में? हेमंत किल्ते। कौन सा युद्ध होता है? कब होता है? 1437 के सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष में क्या बनाया? विजय स्तंभ। कितने मंजिला? कितने फीट ऊंचा? 122। कितनी सीढ़ियां? 127। अल्लाह कौन सी मंजिल पर? पांचवी मंजिल पर। शिल्पकारों के नाम है तो शिल्पकारों के नाम ही लगाओ। जेता नापा ओमा कुंजा, जेता नापा ओमा कुंजा। आपसे पूछा जाए आठवीं मंजिल पर, नौवीं मंजिल पर क्या गिर गई? किसने गुनवाई थी? राजस्थान का पहला डाक टिकट किस पर जारी हुआ? किस पर जारी हुआ? कब जारी हुआ था? 15 अगस्त 1900। कितने रुपए का? कितने रुपए का? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। रोम के टार्जन टावर से तुलना जो है वो किसने की है? विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो इसे विष्णु ध्वज भी, उपेंद्र नाथ डे ने ये बात कही थी। इसे कौन सा टावर कहते हैं? नौखंडा महल भी कहते हैं। सीमा राठौड़ ने इसे कुंभा का संगीत स्मारक बताया है। चक्रवात पद्धति में बना है। किस पद्धति में? चक्रवात पद्धति में। चलो उसके बाद बताओ महमूद खिलजी जो है कोचिंग करने कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वहाँ पर रूममेट कौन मिलता है? दोनों के मध्य कौन सी संधि? चंपा। चंपा नेर की संधि कब हुई? 1456। इस संधि के बाद युद्ध कौन सा हुआ? ये भदनोर का युद्ध कब हुआ है? 1457। इस युद्ध में कौन जीता था? कुंभा ने किस माता का मंदिर बनाया? कौन सी माता का मंदिर? आपसे पूछ लिया जाए कि कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष में और अपनी पत्नी की याद में कौन सा दुर्ग बनाया? कौन सा? कुंभलगढ़। दुर्ग की दीवार की लंबाई कितने घोड़े दौड़ सकते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग में ये किसने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर अबुल फजल ने। चलो आप मुझे ये बता दो कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ का महल बता दो। बादल महल की कचहरी बता दो। इसमें जन्म किसका हुआ? कब हुआ था? 9 मई। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? जय शुक्ल। महाराणा प्रताप जो है इनके पास कोचिंग करने कौन सा व्यक्ति आया था? मानसिंह। कोचिंग कहाँ पर थी इनकी? हल्दीघाटी। कहाँ पर थी? हल्दीघाटी। ये हल्दीघाटी कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप मुझे बता सकते हैं कि हल्दीघाटी में कोचिंग में जो एडमिशन वो कब शुरू हुए थे? 18 जून। ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध किस तारीख को हुआ था?
लेकिन वहाँ पर एक टीचर आए थे, बहुत उन्होंने क्या तारीख बताई, 21 जून। मान सिंह को गोद किस मुगल बादशाह ने लिया था? कितने हजार का मंसब था? कितने हजार का? 7000। मान सिंह अपनी सेना को व्यूह रचना या रणनीति के लिए अजमेर के किस दुर्ग में ले गया, प्रशिक्षण किस दुर्ग में दिया? ये मानवगढ़ कहाँ है? नाम पर है। चलो आप मुझे ये बताएं, महाराणा प्रताप का वो हाथी जिसका नाम अकबर ने बदल दिया था, राम प्रताप, अकबर ने नाम वीर प्रताप। चलो मुझे बताओ, मान सिंह किस हाथी पर बैठ गया था? इसमें मर्दाना। चलो ये बता दो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या? चेतक की समाधि कहाँ बनी है? कौन से गांव में? हल्दी घाटी युद्ध के एक तरफ पहाड़ी कौन सी थी? एक तरफ खमनौर और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोगुंदा का युद्ध और खमनौर का युद्ध अबुल किसने कहा था? इसे बनास का युद्ध कहा जाता है, स्वतंत्रता प्रेमियों की तीर्थ स्थली कहा जाता है, बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं, हाथियों का युद्ध कहते हैं, मेवाड़ का थर्मोपोली किसने कहा था? किसने कहा था? रक्त तलाई का युद्ध कहलाता है। और यहाँ पर राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को किसने रंगा? किसने? हरावल सेना का नेतृत्व करता कौन था? कौन था? और चंदावल सेना का राणा? राणा पुंजा। पक्का पता है तुम्हें? चलो मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि दिवेर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कुंभलगढ़ पर एक व्यक्ति ने अधिकार किया था, उसका क्या नाम था? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? मारवाड़ का कौन सा राजा आया था? कौन आया था? ये भी पता है तुम्हें? सब पता है तुम्हें? चलो, दिवेर युद्ध की घोषणा किस पहाड़ी से की गई? मैंने कहा था आटा गेर के मारूंगा, आटा मथारा, अड्डा वो कौन सा संत था जिसने कहा था कि मगरा चल के अगर राजपूत मिल जाए? रूपनाथ योगी। रूपनाथ योगी, क्या नाम था? रूपनाथ योगी। जोग मंडी रूपनाथ योगी। जोग मंडी रूपनाथ योगी। यहाँ तक बात हो गई थी। राणा सांगा के शरीर पर कुल घाव कितने थे? कितने युद्ध किए? कितने जीता? कौन सा हारा? किस तहसील में? किस नदी का पानी? युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च। खानवा के युद्ध में कौन सा व्यक्ति जीता था? बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बाबर को पहले किस युद्ध में हराया? हरियाणा कहाँ पर है? बाबर ने खानवा युद्ध से पहले क्या छोड़ दी? कौन सा कर? कौन सा नारा? बाबर की बात हम कर चुके हैं कि युद्ध जीतने का कारण तोप खाना या तुलगमा पत्ती। राणा सांगा का युद्ध में एक 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 पैर नहीं था, फिर भी युद्ध कर रहा था। सांगा की सहायता करने के लिए मारवाड़ के गांगा ने कितने हजार सैनिक? 4000। नेतृत्व किसने किया? महादेव बचाकर कहां ले गया? कहां ले गया? बसवा में। क्या बना है? क्या बना है? राणा सांगा की सेना का मुस्लिम सेनापति, अफगान सेनापति महमूद लोधी। कौन था? महमूद लोधी। चलो ये बता दो कि राणा सांगा जो था उसका जब राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी, वो सिकंदर लोधी जिसने शहर कब बसाया, राजधानी, वो सिकंदर लोधी जिसने कितने बीघा जमीन, कितने बीघा, किस व्यक्ति को दी, किस स्थान पर दी? कतरिया सर कहाँ है? कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते समय फायरे फायरे बोलते, फते फते बोलते, फायरे फायरे तो खेलों में छोटे बच्चे को क्या कहते? महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहते? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो राणा सांगा है, क्या नाम है? राणा सांगा। राणा सांगा जब घायल हो गया था, जब घायल हो गया तो उसका राज चिन्ह मुकुट किसने पहना था? झाला। राणा सांगा किस व्यक्ति की वीरता से प्रभावित हुआ था? उसे कौन सा ठिकाना दिया था? चाहे बिजोलिया ठिकाना आए, चाहे बेगू ठिकाना आए, मेवाड़ के महाराणा कौन होंगे? फतेह सिंह। कौन होंगे? फतेह सिंह। फतेह सिंह होंगे।
बहुत सही करो ठीक है, याद हो रहे कितनी मिनट लगे दस मिनट से, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो एक बार भी तुम ध्यान देंगे मुसल आयो हो मुसल जाओ बाद में दुख होगा।